जनता पार्टी विनकर अघाड़ी की ओर से पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आशा सेविकाओं का सत्कार किया गया। देश में कोरोना संकट में डॉक्टर्स, पुलिस, मेडिकल कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, मगर इसके साथ ही देश की आशा सेविकाओं का भी कोरोना काल में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। घर घर जाकर जानकारी लेना, जांच करना और उसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को देना, ये काम आशा सेविका कर रही है। इनके इस योगदान को देख भारतीय जनता पार्टी विनकर अघाड़ी की ओर से पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर ऐसे ही आशा सेविकाओं का उन्होंने दिए योगदान का सम्मान किया गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक। आज अपने भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, इनका जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी विनकर अघाड़ी नागपुर शहर की ओर से आज आशा सेविकाओं का सत्कार का कार्यक्रम इस बसोड़ चौक तांडापेट में रखा गया था। इस कार्यक्रम में मध्य नागपुर में जो आशा वर्करों ने कोरोना के काल में जो कार्यकाल में जो काम किया है, लोगों के घर घर जाकर लोगों की जो उन्होंने चौकसी की कि उनकी तबीयत कैसी है, उनके घर में कोई बीमार तो नहीं है, और उसका रिपोर्ट वो सरकार को भेजती थी। जिस कारणवश अगर किसी के घर में कोरोना का पेशेंट होता था तो सरकार के लोग वहां आकर उनको दवाखाने में एडमिट करते थे। इसके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ था वो इन आशा सेविकाओं का था। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी यांच्या वाढदिवसाचा आज कार्यक्रम ह्या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेला आहे। ह्या कार्यक्रमामध्ये आशा सेविका ज्यांनी ह्या समाजाच्या तळागाळामध्ये जाऊन कार्य केलं, ज्यांच्या परिश्रमाने नागपूर शहर आजच्या घडीला करोना मुक्त झाला असं म्हणता येत नाही, पण ज्यांची जी मेहनत आहे, जे आज त्यांनी परिश्रम केला आहे, त्यांच्यामुळे आज स्थिती जी आहे स्थिर झालेली आहे। आणि ज्या स्थिर स्थितीमध्ये आज नागपूर आलेला आहे, त्यांचा खूप मोठा योगदान आहे, खूप मोठा त्यांचा वाटा आहे। त्यांच्या जेवढी प्रशंसा केली जाईल तेवढी कमी आहे। 5 से 20 न्यूज नागपूर।